भानुगुट के किसानों ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर आज कलेक्ट्रेट का घेराव किया और इस गुट ने किसानों ने बिजनौर मुख्यालय सहित तहसीलों पर भी अपनी मांगों को लेकर SDM सहित बिजनौर DM को एक ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में किसान अपनी मांगों को लेकर DM ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गए। किसानों के जिला अध्यक्ष ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार अपने चुनावी किए गए वादों से हटकर किसान विरोधी बन गई है। किसानों की मांग है कि सरकार ने बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं, साथ ही साथ किसानों के गन्ना मूल्य में भी कटौती सरकार करने जा रही है, जो किसान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर किसान DM ऑफिस पर धरने पर बैठ गए और बाद में DM बिजनौर जगत राज त्रिपाठी को अपना ज्ञापन सौंपा। विजय सिंह जी ने जो ज्ञापन दिया है उसकी प्राप्ति में स्वीकार करता हूँ। जो समस्याएं जिला लेवल की हैं उसका निराकरण जिला लेवल से कराया जाएगा। जो शासन लेवल पे हैं वो संस्कृति के साथ शासन को भेज दिया जाएगा। किसानों की समस्या हर हाल में हल होनी चाहिए। जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं उसका निराकरण हर लेवल पर होना चाहिए, क्योंकि किसान हमारे लिए सदस्य हैं, वो हमारे अन्नदाता हैं। और इस समय हमारी जो चीनी मिल है सब चीनी मिल चालू हो गई है। लास्ट ईयर जो थोड़ा पेमेंट की प्रॉब्लम थी बिलाई में, उसको हम शुरू से चेकअप कर रहे हैं कि बिलाई में पेमेंट की प्रॉब्लम ना हो। किसान यूनियन भानु प्रताप राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो मैं यूनियन भानु का प्रदेश व्यापी आंदोलन समस्त तहसील मुख्यालयों पर है और इसमें किसानों की विभिन्न मांगों पर, जिसमें संपूर्ण कर्जा माफ और नहरों में पानी आना, कृषि आयोग का गठन और 60 वर्ष से ऊपर के किसान व मजदूर को 5,000 रुपये पेंशन देना और किसानों को बिजली व पानी मुफ्त देना, GST से बढ़े हुए खाद और दामों की कम करना, इन विभिन्न मांगों पर सभी तहसील मुख्यालयों पर प्रदेश में आज धरना प्रदर्शन है और किसान यूनियन भानु किसानों की उपेक्षा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और यदि सरकार ने किसानों की यह मांग नहीं मानी, चीनी का आयात बंद नहीं किया गया, तो पूरे प्रदेश में चक्का जाम किया जाएगा।